आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका साथी परवेज़ अहमद। आप देख रहे हैं साझी विरासत की ख़ास पेशकश दास्तान अदब। आज मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी की नई कमेटी का गठन हुआ है। प्रदेश सरकार ने नई कार्यकारिणी की घोषणा की है उर्दू एकेडमी की। चौधरी कैफुल वरा साहब हैं, कोई गोरखपुर से है, अभी उनका एकदम नया नाम है और उसके चेयरमैन बनाए गए हैं। उनके साथ 12 और लोग उसके मेंबर्स बनाए गए। मैं इससे पहले आपको एक वाकया सुनाऊंगा, उसके बाद इसके ऊपर बात करूंगा। बहुत पहले की बात है, बज़्म बाराबंकी में, यहाँ पर बहुत सारी बज़्म बनी, जिसमें एक बज़्म थी बज़्म अहले फ़न मुशुजा की, वो क़यादत में वो बज़्म बहुत लंबे वक्त तक चली। उस बज़्म में बड़े शानदार नशिस्ते और मुशायरे होते थे, बहुत ही यादगार मुशायरे होते थे। एक बार की बात है कि तरही मुशायरा था, और जब उस मुशायरे के सदर जो थे गयासुद्दीन क़िदवाई साहब थे, वो किसी वजह से लेट हो गए और उनकी जगह एक साथ थे, तो कहा गया कि जब तक उस मुशायरे की सदारत वो करेंगे। अब साहब जो शायर थे, उसमें जो कुछ बड़े शायर थे, उनको ज़रा उनकी सदारत में मज़ा नहीं आया। तो एक बहुत ही बेहतरीन शायर रहे हैं अमीर हमज़ा साहब, बड़े मशहूर शायर, बड़े अच्छे शायर, बहुत काबिल शख्सियत, बहुत बड़े उर्दू दा। तो जब उनका नंबर आया तो उन्होंने सद महफिल की तरफ देखते हुए शेर पढ़ा कि मसनत नशी हैं लोग जिहालत के बावजूद, मसनत नशी हैं लोग जिहालत के बावजूद, हम दर बदर हैं लियाकत के बावजूद। काफ़ी बुरा लगा उस वक्त जो सदर महफिल थे, सदर मुशायरा जो उस वक्त थे, उनको लगा। लेकिन शायर कहाँ रुकने वाला है, और हालात हाजरा पे उसकी बड़ी पकड़ होती है, और हालात हाजरा या कोई इस तरीके के वाक़यात होते हैं तो शायर कभी मानने वाला नहीं होता। अब आपको वापस ले चलते हैं उर्दू एकेडमी की तरफ, जो कल इसकी कार्यकारिणी का गठन हो। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी का जो चेयरपर्सन होता है उस पर बेगम हबीबुल्ला और प्रोफेसर मलिकज़ादा मंजूर साहब और जैसी कई बड़ी बड़ी शख्सियत उसकी चेयरमैन नहीं। अभी हाल ही में डॉक्टर आसिफा जमानी साहिबा उसकी चेयरमैन थी, काफ़ी लंबे वक्त से थी, वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में पर्शियन डिपार्टमेंट के HOD रही थी, काबिल शख्सियत थी। और उनके बाद फिर जो है ये तब्दीली कर गई है। और कल चौधरी कैफूल वरा साहब, कोई गोरखपुर से आते हैं, नाम नया नाम है, वो बनाए गए हैं, उनके बारे में तो मैं नहीं जानता। लेकिन इसमें जो 12 लोग जो उसके मेंबर बनाए गए हैं, उसमें बाराबंकी से भी एक साहब है, राजा कासिम नाम है, भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के वो नेता हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता हैं, बहुत दिनों से वो जो है इसमें सियासत कर रहे हैं भाजपा की। उनको उर्दू एकेडमी का जो है मेंबर बनाया गया है, और वो शेर आप सुन लीजिए कि मसनत नशी हैं लोग जहालत के बावजूद, हम दर बदर हैं इल्म और लियाकत के मौजूद। राजा कासिम साहब, ज़रूर उनको राजनीति में बड़ा पद मिलना चाहिए, मुझे कोई गुरेज नहीं है, और काफ़ी दिनों से वो सियासत कर रहे हैं, वो मंत्री भी हो जाएं, और लेकिन उर्दू के फ़रोग के लिए जो जिम्मेदारी जिन लोगों को दी गई है, उन लोगों के बारे में भी, उनकी उनके अंदर कितनी अहलियत है और वो इस फ़र्ज़ को कितने बखूबी से अंजाम दे सकते हैं, कम से कम सरकारों को सोचना ज़रूर चाहिए इसके ऊपर। एक इंटरव्यू दिखाता हूँ, बातचीत हुई है हमारी राजा कासिम साहब से। राजा कासिम साहब, आपको उर्दू एकेडमी की जो नई कमेटी बनी है उसका मेंबर बनाया गया है, बहुत अहम पद है, पहले तो उसके लिए आपको बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस पद पर रह के आप उर्दू के फ़रोग के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको पता है आपका अध्यक्ष कौन बनाया गया है? हमारे अध्यक्ष गोरखपुर के हैं, और कल मुझे 5 बजे
उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी के पीए ने फोन किया कि मुझे उर्दू एकेडमी उत्तर प्रदेश का मेंबर बनाया गया है, तो अभी मैं लखनऊ जा नहीं पाया हूँ क्योंकि सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और बड़े मतलब वरिष्ठ नेता सभी मतलब मिलना जुलना हो रहा है, सभी से दुआएं भी मिल रही हैं और नौजवान जितने हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बड़ी गर्म जोशी से स्वागत कर रहे हैं। तो उर्दू एकेडमी के बारे में अभी तक आपका कोई एक्सपीरियंस रहा, कोई जानकारी आपको वहाँ का, अभी वर्तमान में कौन अध्यक्ष था इस बारे में मुझको कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, और नाम पढ़ा था मैंने, मुख्यमंत्री जी ने जो ट्वीट करा है उसमें अध्यक्ष ये ध्यान है कि गोरखपुर के हैं और हमारी जो भाषा है, हमारी जो भाषा जो है और हिंदी भाषा दोनों मिलके ही एक मधुर भाषा बनती है, क्योंकि उसी भाषा का मतलब वजन और उसी भाषा की लोकप्रियता है कि पूरी दुनिया में भारत के वक्ता भी हैं, भारत के नेता भी हैं, उनका प्रभाव ज़्यादा रहता है। जो मतलब उर्दू ज़बान ने भारत को दुनिया में सम्मान दिलाया है और आगे भी मतलब उर्दू हर एक आदमी पढ़े इसकी ज़्यादा मैं चिंता करूँगा, और जो भी जिम्मेदारी मुझे मुख्यमंत्री जी ने दी है उस पर मतलब पूरी तरह से ईमानदारी से काम करूँगा, हर काम में पारदर्शिता बरतूँगा और सभी का मतलब भारतीय जनता पार्टी बाराबंकी का के नेताओं का और कार्यकर्ताओं का प्यार हमें सदा मिला है उसी के। आज़ादी के वक्त में देश में दो लैंग्वेज जो सबसे ज़्यादा बोली जाती थी वो अंग्रेज़ी और उर्दू। जी जी, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे लोग उर्दू से दूर होते चले गए और आज के जो वक्त है उसमें मुस्लिम भी बहुत कम लोग होंगे जो उर्दू लिखना जानते हैं, इसकी वजह क्या रही या? उर्दू से कोई दूर नहीं हुआ है क्योंकि अंग्रेज़ी ने ज़्यादा मतलब प्रभाव, अंग्रेज़ी बोलने वाले जो लोग हैं वो अपने आप को ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है ना, और अंग्रेज़ी मतलब किसी भी प्रकार से सही नहीं, ना अच्छी लैंग्वेज है, ना किसी को पसंद करते। अच्छा, उर्दू से खुद आपका लगाव कैसा रहा, आपने अपने मतलब आपकी जो एजुकेशन थी उसमें उर्दू शामिल थी कि नहीं शामिल थी? नहीं, उसमें उर्दू तो शामिल नहीं थी, हमने हिंदी से हाई स्कूल किया है, लेकिन मुसलमान के घर में पैदा हुआ हूँ इसलिए उर्दू तो हमारी मतलब दिलो दिमाग में है, इसी वजह से हिंदी और उर्दू दोनों मिली जुली हम बात करते हैं और इसी का नतीजा है कि लोग हमारे भाषणों को पसंद करते हैं, हमारी स्पीचों को पसंद करते हैं, क्योंकि हम हमारे अंदर जो है उर्दू हिंदी दोनों मिली हुई है और इस मतलब उर्दू को नीचे तक स्थापित करने के लिए मैं संघर्ष करूंगा और जहां पर भी कोई दिक्कतें आएंगी जैसे कि उर्दू में, तो पूरी तरह से मतलब उर्दू को स्थापित करने में और मुसलमान ही नहीं हर मतलब धर्म में हर समुदाय में। स्कूलों में फिर से आप कोशिश करेंगे कि स्कूलों में बकायदा उर्दू पढ़ाई जाए या बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उर्दू के बिना जो है आपके मतलब व्यक्तित्व में वजन नहीं आएगा, आपकी बात में वजन नहीं आएगा, आपकी बात में मिठास नहीं होगी और जब मिठास नहीं होगी तो अपनाइयत खत्म हो जाएगी, इसलिए उर्दू को जीवित रखना है अपना, तो इससे जो है मतलब मित्रता भी मजबूत रहेगी और इससे जो है मतलब सलीका इंसान की बात में रहेगा, अपनी बात सलीके से कहेगा। उर्दू के बिना हर भाषा जो है, हिंदी जो है, हर भाषा में कि हिंदी नहीं, हर भाषा जो है अधूरी है। तो ये देख रहे थे आप, बातचीत देख रहे थे राजा कासिम साहब के साथ जो अभी नए नए मेंबर बनाए गए हैं उर्दू के, जो है मुहाफिज होंगे ये उर्दू की ज़बान को, उर्दू के जो स्टूडेंट होंगे उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, और मैं दुआ करता हूँ ऊपर वाले से, उर्दू जो हमारी देश की पहचान रही है, उर्दू हमारी जो भाषा, उर्दू और हिंदी हमारी जो ज़बानें हैं, इस ज़बानों से, इन दोनों ज़बानों से पूरी दुनिया में हमारी पहचान रही है, हमारी हमारा जो कल्चर, मिला जुला कल्चर है, हमारा जो मुश्तरक तहजीब है,
उसकी ये जो है दोनों पहचान नहीं है, ज़बानों की वजह से हम पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, हमारी तहजीब पूरी दुनिया में इसकी पहचान बनी है। तो अल्लाह करे इसके जो मुहाफिज हैं, जिनके हाथ में जिम्मेदारी दी गई है, वो कुछ इस ज़बान के लिए करें, और हालात जो हैं वो आपके सामने हैं, बाकी ऊपर वाला मुहाफिज है। बहुत शुक्रिया, जय।